आपको लगता है कि विभू आपका बेटा है? जी है, ये मेरा बच्चा और मैं इसका बाप। बाबूजी ये काम कीजिए, एक लिस्ट बनाकर भाभी जी को दे दीजिए कि आपके कितने बाप हैं, 5, 6, 10 या क्या? बकवास करी आपने। अरे सही तो कह रहे भाई, जब देखो तब आपको कोई ना कोई बाप उठ के खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज मी, माई बायोलॉजिकल फादर इज मिस्टर आहुति नारायण मिश्रा, इज दैट क्लियर? तो मतलब ये इलॉजिकल फादर है। अनु, इससे कहो कि ये चुप हो जाए, वरना फिर ना कहना कि घर आए मेहमान के साथ मैंने बदतमीजी कर दी। यार देखो, ये तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, अगर आहुति नारायण मिश्रा तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, तो भाई ये कौन है, कौन से फादर हैं ये? ये मेरे धर्म पिता हैं। तो इका मतलब कि आहुति नारायण मिश्रा जी आपके अधर्म वाले पिता हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी, अधर्म पिता कुछ नहीं होता। शायद अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो वे काइंड इंफॉर्मेशन, दो तरह के बाप होते हैं। पहला बाप टाइप 1, जो पैदा करता है। टाइप 2, जो आपको हिम्मत देता है, आपको जीना सिखाता है, आपको जिंदगी में लड़ना सिखाता है। एंड दिस मैन हियर इज टाइप 2। इन्होंने मुझे जिंदगी में लड़ना सिखाया, जीना सिखाया, और मुझे एक बाप का साया दिया मेरे सर पे। आई लव यू चुरू अंकल, आई लव यू। बिल्कुल यही डायलॉग आपने वो आर.के. गुप्ता के विषय में भी मारा था। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, समझे आप? अब आपने मुर्दे ही इतने गाड़ रखे हैं कि उखाड़ने की नौबत तो आएगी ना। ज्यादा सच्चाई का राग मत लापिए, समझे ना आप? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कितनी दूर तलक जाएगी? पंडित रामफल तलक जाएगी। तिवारी जी एक मिनट प्लीज, मैं इनसे एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए मिस्टर झिंगूर, नॉट झिंगूर, मिस्टर झुमरू, लग तो वही रहे। बीच में कूद रहे हैं, शांत ना ही रह सकते हैं? अब बेचारे अंकल जी और भरभूति जी का स्टोरी कितना मोतीलाल है। वो इमोशनल होता है पगली। इमोशनल नहीं, वो इमोशनल होता है भाभी जी, इमोशनल। हाँ सही पकड़े हैं। और जिमी, व्हाट अ लोकल नेम। या दैट्स जिमी इज मी एंड इट्स लोकल राइट। जब मैं झुमरू अंकल को कचरे के डब्बे में पड़ा मिला तो ये मुझे अपने घर ले आए, मुझे होश में लाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे जिमी कह के पुकारा। मैंने इस नाम से अपने आप को इतना रिलेट किया कि मैंने कभी इनको अपना असली नाम बताया ही नहीं। आई लव यू झुमरू अंकल, मेरा बच्चा। अरे लेकिन तुम्हें कचरे के डब्बे से क्यों उठाया? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। दरअसल वो ऐसा था बेटी की पड़ोस में। भाई ये अवॉइड कीजिए ना, ये बातें अवॉइड कीजिए ना। कैन यू अवॉइड दिस? दिस इज अवॉइड दिस, ओके? जस्ट अवॉइड दिस। नहीं, क्यों अवॉइड करें? क्यों जाने थे? बताइए, आप बताइए अंकल। हम बताते हैं अनीता जी, हमको झुमरू अंकल ही बताए रहे। अका हुआ ना कि बचपन में भरभूति जी अपने पड़ोस की भाभी को छेड़कर भाग गए थे। हेलो, I was a child. वो मेरा बचपना था। I was young. अपनी बदतमीजी की गुदड़ी पर अपने बचपने का लिहाफ मत चढ़ाइए। बदतमीजी बदतमीजी होती है, चाहे बचपने में की गई हो या जवानी में की गई हो। एक मिनट तिवारी जी, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। अंकल, और किससे किससे चक्कर चल रहा था विभू का, जरा मैं भी तो सुनूं। देखो बेटा, ऐसा है, मेरा जिमी बच्चा तो बहुत ही शरीफ, बहुत ही लायक बच्चा था, जबकि हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जो इसे बहुत चाहती थी। बॉबी ना अंकल, बॉबी है ना? ओहो, नाम तो बड़ा याद है, तपाक से ले लिया तुमने, है ना? हमारे बैंड में वो झुंझुना बजाया करती थी, इसलिए मुझे इसका नाम याद है। ठीक है ठीक है। देखिए अंकल, बहुत खुशी की बात है कि आपको अपना शागिर्द मिल गया। हाँ, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक वाइफ है, और देखिए अंकल प्लीज, अब ना वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, सॉरी। नहीं बेटा नहीं,
ऐसा मत कहो बेटा, जिम्मी तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे लेकर मैंने न जाने कितने ख्वाब बुन रखे हैं, बल्कि मैं इसे सड़कों पर जिम्मी द डिस्को डांसर के नाम से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। फिर ये मेरी पत्नी का इलाज करवाएगा, उसका ऑपरेशन करवाएगा। हाँ, करवाएगा ना बेटा? हाँ 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 जुमरू अंकल, मैं माँ का ऑपरेशन करवाऊंगा, उनका टूटा हुआ चश्मा बनवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे मेरे लाल, मेरा बच्चा। ओ हाजरात, हमने मित्तल साहब से कहकर मेरठ में आपकी अच्छी वाली नौकरी लगवाई है, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर भी उन्होंने दे दिया है। तुरंत जाइए, नौकरी ज्वाइन कीजिए, वरना हमारी बात खराब हो जाएगी। भाभी वो दे दीजिए जरा इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर। जाएगा विभू, जाएगा। I am a street dancer. Hi, Dia. Mama. क्या कर रही है पगली? आ छोड़िए लड्डू के भैया, आप देख ना ही रहे हैं, हम क्रीम लगा रहे हैं। आहा, कितनी खुशबूदार क्रीम लगा रही है। अक्का है ना कि चंदन का क्रीम है। ओहो, तभी हम कहे पगली कि जब भी हम तुम्हें अपनी बाह में यूं जकड़ते हैं तो हमें ऐसा काहे लगता है कि जैसे हम चंदन की शाख को जकड़ रहे हैं। हमका आपको चंदन का पेड़ लगते हैं? नहीं, तुम पेड़ नहीं हो पगली, तुम तो पेड़ा हो, पेड़ा। आ छोड़िए, आज बड़ा रोमांटिक किया रहे हैं। तुम भी तो रोमांटिक ही आ रही है, नहीं? नहीं नहीं, आज हमरा बिल्कुल मूड नहीं है। अरे तुम मूड बना देते हैं ना पगली। कौन है? डिस्टर्ब करके रख दिया। अरे हम मित्तल सेठ बोल रहे हैं। हाँ कहिए मित्तल सेठ जी, क्या बात है? अरे तिवारी, क्या हुआ तुम्हारे छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर का? अरे क्या करें भाई, वो सामने वाली पार्टी जो कोनो इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इंटरेस्ट तो ले रहे हैं हम। तुमसे नहीं बात करें भाई। जी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो इंटरेस्ट पैदा करो। किसी भी हाल में हमें वो लौंडा चाहिए। अगर तुमने उस लौंडे को हमारे हवाले नहीं किया ना तो समझ लो कि गया तुम्हारे हाथ से 15 लाख का ऑर्डर। हेलो 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 मित्तल साहब। अरे यार असर करेगा। मित्तल
चाहते क्या हो? हाँ तुम्हें चाहता हूँ यार, of course I love you man. अगर मुझे चाहते होते तो अभी तक मेरठ लिए रवाना हो गए होते. मैं मेरठ नहीं जा रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ तुम्हारी वजह से, बिकॉज मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता. ये घूर क्यों रही है तुम मुझे यार? Why are you looking at me like that? कसम खाओ मेरी कि मेरी वजह से मेरठ नहीं जा रहे हो, और कोई वजह नहीं है. You don't trust me? तुम यकीन नहीं मेरी बात का? You बिल्कुल don't trust यकीन, me? बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे तुम्हारी बात का, बिल्कुल यकीन नहीं. तुम झूठ बोल रहे हो साफ साफ. तुम ये उसकी वजह से नहीं जा रहे हो. वो क्या क्या नाम है यार उस फटीचर आदमी का? फटीचर? डोंट कॉल मी फटीचर. डोंट कॉल मी फटीचर प्लीज. मैं ऑफेंड हो जाऊंगा. उनका नाम झुमरू अंकल है, प्लीज अदब से लो. यार पता नहीं उस झुमरू ने क्या भर दिया है तुम्हारे दिमाग में फितूर. तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम गलत सोच रही हो. ठीक है मैं गलत सोच रही हूँ, जाओ फिर मेरठ. मैं मेरठ नहीं जा सकता. What? Read my lips. मैं मेरठ नहीं जा सकता. आपको जाना पड़ेगा, हमारी जुबान का सवाल है. अरे तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने बेडरूम में रात को अपने हस्बैंड को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप या क्या बीच में कूद पड़े? अरे भाभी जी हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने उस मित्तल सेठ को जुबान दी है. तो जुबान दी है इसका मतलब ये कि आप किसी के बेडरूम में भी घुस जाएंगे रात में? नहीं भाई समझ नहीं रही है. देखिए बात ऐसी है भाभी जी की. अरे नहीं, 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 नहीं क्या होता है, आप बिन बुलाए किसी के बेडरूम में भी ऐसे यूं ही आ जाते हैं फालतू में. यार आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे आने की? अरे यार इन्होंने तो अलग ही सुर पकड़ लिया. भाग रहे, पूरी बात तो सुन के जाइए. अब हद कर दी. चला जाएगा तो मैं कहाँ करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा. भाभी जी इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको याद तो बहुत आऊँगा. आप क्या बोले? अगर भाभी जी मैं आपको याद तो बहुत आऊँगा. आप काहे याद आएंगे हमको, आप कटे भूलने वाले हैं. तय तो भूल जाए भाभी जी, लेकिन शर्त यह है कि आखिर हिचकी आपकी जानों पर आनी चाहिए. आप क्या बोले? अगर भाभी जी फिलहाल तो टाइम बोलने का कोई इरादा नहीं है. तो क्या इरादा है? इरादे तो बहुत कुछ है भाभी जी, बस आपके इरादे मालूम चल जा रहे हैं. हमरा हमरा क्या इरादा? भाभी जी मैं मेरठ जा रहा हूँ हमेशा के लिए. आप कहाँ जा रहे? मेरठ मेरठ. आप मेरठ जा रहे हैं? भाभी जी मैं मेरठ जा रहा हूँ, आप खुश हो रही हैं इस बात से? तो ये मैं दुख का कहा है. भाभी जी कहीं दुख की बात नहीं है कि एक भावरा जो अपना दिल हथेली पे लिए एक मासूम तितली के इर्द गिर्द मंडराया करता था, उस तितली से दूर जा रहा है. क्या दुख की बात नहीं है कि एक इश्क का भिखारी अपनी चाहत का कटोरा लिए हुस्न धनी औरत से मोहब्बत की भीख मांगता था, अब उस हुस्न धनी औरत से दूर जा रहा है. इतना सारा का बोल गए, हमरे कुछ ना ही समझ आया. मुझे एक्चुअली क्या हुआ पगली, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? तिवारी जी मैं आपके उस मित्तल के यहाँ जॉब करने के लिए तैयार हूँ. हैं क्या बात करें, मतलब आप मेरठ जाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ हाँ. थैंक यू भगवती जी, थैंक यू थैंक यू. क्या बात है भाई, ये तो बढ़िया बढ़िया बात हो गई है. हाँ तिवारी जी फटाफट बोलिए. वो क्या है कि सामने वाली पार्टी जो मेरठ जाने के लिए तैयार हो गई है जनाब. राजी हो गई है? हाँ तो ठीक है ना, ये आपके सेहत के लिए अच्छा होगा. हेलो हेलो मित्तल साहब. उनका जवाब लगा दिए का? बड़ा कमीना आदमी है मित्तल. तो तुम क्या खड़ी खड़ी देख रहे हो, माले चाय बनाओ भाई. बनाते हैं. आपका जवाब लगा दिए का? लगा दिए भाई, तो बहुत बढ़िया बात हो गई. अंकल जी आप आराम से खाइए. इतना फर्स्ट क्लास और इतना शानदार नाश्ता तो मैं पहली बार देख रहा हूँ. खाइए अंकल खाइए, बिभू ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया, खाइए ना. मेरे बच्चे ये तूने मेरे लिए बनाया है. Oh, oh, oh.
वो यार क्या खाने का तरीका है? चुप रहो प्लीज, भूखे हैं वो, इस हंगरी कांट यू सी? भूखे हैं तो इंसानों की तरह खाए ना, जानवरों की तरह क्यों खा रहे हैं? मेरा इतना दिल था कि मैं एक समोसा खा लूंगी, इनको देखकर इच्छा ही मर गई। आज सालों के बाद मैंने इतना अच्छा नाश्ता खाया। मेरे लाल, कितना प्यारा बच्चा है तू मेरा। आपने पेट भर के खाया ना? हाँ बेटा, हाँ। बस बेटा, अब तो एक ही इच्छा रह गई है, तू मेरे पास आ जा, मेरे बच्चे मेरे पास आ जा। मेरे पास आ जा मतलब? अरे बेटी, मेरा कहने का मतलब है मेरे पास मेरे ग्रुप में जिम्मी स्ट्रीट डांसर। अंकल आप समझते क्यों नहीं? देखिए अंकल, आई एम रियली सॉरी, वो जमाना कुछ और था, उस वक्त पिबू बच्चा था। अरे अब उसकी शादी हो गई है, उस पे जिम्मेदारियां हैं, अब वो आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता है अंकल। आई डोंट यू अंडरस्टैंड? मेरी बच्ची, मेरी बहू क्या कह रही है? मैंने मेरे जिम्मी को लेकर के न जाने कितने सपने देख रखे हैं। मेरा सपना पूरा करेगा ना मेरा बच्चा? अंकल जिम्मी को लेकर ना मैंने भी कुछ सपने देखे थे, आज तक जिम्मी ने मेरा एक भी सपना पूरा नहीं किया है। अब अंकल मैंने एक छोटा सा सपना देखा है कि वो मेरठ जाके कुछ काम कर ले। देखो तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बोलो ना अंकल, कुछ तो समझो, बोलो ना। अंकल आई एम सॉरी, मैं जो आप कह रहे हैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब आजाद पंछी नहीं हूं, अब मैं एक गुलाम पति हूं। हेलो, यस सर, जी सर, जी सर, आई नो दैट सर, बहुत बड़ी फिल्म है सर, इसके लिए इस गाने में सर कम से कम 100 डांसर्स की जरूरत है, ये हमने बात कर ली थी सर। यस सर, तो आपने तो सिर्फ 2 ही दिए अभी तक, तो 98 अभी बाकी है ना सर, वो रह गया। समझ ले, 98 से तुझे 3 डांसर्स मिल गए, बाकी तुझे 95 डांसर्स की जरूरत है। सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ जी सर, जी जी जी, सी यू सर, सी। यार कीप प्रैक्टिसिंग मैन, कीप प्रैक्टिसिंग। यार प्रेम, यार अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरी बारे में सोच रहा था। लौंडे निकल चुके हैं, रास्ते में ही आ जाएंगे। यार अब मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है यार, सारा कुछ रेडी है, देख इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, बड़ा बड़ी फिल्म है यार, लेकिन अभी तक ये पूरे हुए नहीं हमारे 100 डांसर्स। आओ आओ लौंडो, आओ। प्रेम भैया, चुनु अंकल। चुनु, यही वो 3 लौंडे, ये देख, ये टीका, ये टिल्लू, आर्य मलखान। बेटा तुम लोग जाओ, ये करो, ब्रेक करो, जाओ जाओ ब्रेक ले लो, थोड़ा रेस्ट करो। प्रेम, ये बैकग्राउंड डांसर्स है? हाँ। यार ये तो मुझे बैकग्राउंड डांसर कम और बैकवर्ड डांसर ज्यादा लग रहे हैं। ये तू क्या कह रहा है यार? तो सही तो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भाई, शक्ल देख इनकी, ये डांसर्स कम और किसी ट्रक के हेल्पर क्लीनर ये सब ज्यादा लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी चुन्नू सर, हम लोग पहले से डांस सीखे सिखाए हैं, हमको डांस आता है। कसम से कह रही हूँ चुन्नू सर, हम तीनों को बस एक दफा मौका दे दो, आग लगा देंगे, ऐसा डांस करेंगे हम। यार प्रेम, इनकी शक्ल देख के, ये लंडो की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी की पर्स मार के भागेंगे अभी। सबके सब ऐसे ही हैं। आज कर रहा है बेकार की ऐसे डांसर्स। प्रेम भैया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या बेइज्जती कराने के लिए बुलाओ क्या आपने हमको? नहीं नहीं बेटा, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। तुम लोगों के शक्ल में ही तो एकदम जलील जैसे लिखे हुए हैं। हाँ होंगे भी उससे ज्यादा। अबे
चुन्नू, कसम से कह रही हूँ चुल्लू भर पानी में डुबो डुबो के मारूंगा। मुंह संभाल के बात करियो, हम तीनों से इज्जत है हम तीनों की। अच्छा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चलो हटो। अरे चलो यार, चलो यार। अरे क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं कर रहा, चलो इधर इस तरफ, कहाँ उधर देख रहे हो? चलो बहुत हंसती हो तुम, चलो आओ कम ऑन प्रैक्टिस करो यार, देखो डांसर्स क्या होता है प्रेम भाई, देखो हाँ स्टार्ट।